सबसे पहले मैं अनिल जी को याद करूंगी यहाँ पर। जितनी भी बात उत्कर्ष ने कही और मुस्कान ने कही, ये मैं पॉसिबल नहीं कर पाती अगर मेरे डायरेक्टर का मुझ पर भरोसा नहीं होगा। अनिल जी नहीं है लेकिन मैं उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ, वो मेरे गुरु हैं। मैंने बचपन से अनिल जी से बहुत सीखा है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि सर मैं आपकी एक लव्य हूँ। मैं असिस्टेंट नहीं थी लेकिन मैं दूर से आपके फिल्म के थ्रू और जो भी फिल्म पे मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहती थी आपसे सीखती थी, और वही चीज़ मैंने जो इतने सालों का मेरा सीखा हुआ निचोड़ है वही मैंने गज़ल में डाल दिया। कि एक कोरियोग्राफर लड़की को भले वो कितने भी अच्छा काम कर चुकी हो, गदर जैसी कल फिल्म के लिए चूज़ करना, ये भी एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। इनका ये आइडिया कि शबीना को लूँगा मैं, वो उसी चीज़ ने मुझे हमेशा अपने टोस पर रखा। इसीलिए मैंने 2 साल तक कोई और फिल्म नहीं की, मैंने सिर्फ गदर की, और गदर के लिए बहुत तैयारियाँ की। जैसे उत्कर्ष ने थैंक यू इतना प्रेस किया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर पाती। ये एक मिली जुली साझेदारी होती है कि एक्टर जब अपने आप को आपके हवाले कर देता है तभी हम टेक्नीशियंस उसको संवारना शुरू करते हैं। तो तुमने इतना भरोसा किया, अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया, और ख़ुद ये परफेक्शनिस्ट है। मैं इसे कहती हूँ कि ये इतना परफेक्शनिस्ट है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है और चीज़ों को तराशता रहता है। उत्कर्ष, मैंने उत्कर्ष के साथ जीनियस की थी, तब से ही मैं इसे अपना स्टार बोलती हूँ। एंड आई लव यू माई लॉट फॉर, ये इतना डाउन टू अर्थ है और ये बहुत इज्जत देने वाला बच्चा है, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला टेक्नीशियंस को, बहुत प्यार देने वाला, बहुत डाउन टू अर्थ। बस वो जीनियस के बाद से ही मेरे दिल में ऐसा बसा कि दूसरी बार जब मौका मिला तो मैंने अपनी जान लगा दी कि उत्कर्ष को मुझे ऐसे करवाना है, बस लोग इस चीज़ को याद रखें। और हमने जो ट्रेनिंग शुरू की पुराने गानों को देखकर, ही वॉज ऑल देयर, बिल्कुल ऐसे अंदर आके इस तरीके से फोकस करके किया कि अगर उत्कर्ष नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाती ऐसे। इवन फॉर हर दोस्त ये मुझे इतने गौर से देखती थी कि कभी कभी मैं ऐसे, ये मुझे डांस करते हुए ऐसे देखते देखते मेरे इतने करीब आ जाती थी, मैं बोलती थी सिमरती ओके नहीं मैम, मैं देख रही हूँ कि आप कर कैसे रहे हो। तो वो और इतनी, मतलब ये भी इतनी फोकस्ड है, मुझे थोड़ी सा नाराज़गी होती थी कि आजकल के बच्चे ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं है, लेकिन ये दोनों ने तो कमाल कर दिया कि मेरा जो काम दिखाई दे रहा है, जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं इनके बगैर तो कर ही नहीं पाती। टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग दीज 2 सॉन्ग्स विद बोथ ऑफ माई डार्लिंग्स, बिकॉज ये नहीं पर्दे पे करते उस तरीके से, उस संजीदगी के साथ जो मैं चाहती थी, तो मैं अपनी कला कैसे दिखा पाया। इवन सिमरत, शी डिडंट गेट चांस टू रिहर्स फॉर मेनी डेज, बट जितना भी रिहर्सल मिला शी फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन मी। ऐसे वो घोड़े का चश्मा लगा के आती थी और वो मेरे सिवा किसी को देखती नहीं थी। मेकअप हेयर अगर उसको कुछ ठीक करे तो उसको पता ही नहीं कौन कुछ कर रहा है, यू नो। हर कॉस्ट्यूम्स वर सो डिफिकल्ट कि कोई अगर और एक्ट्रेस होती तो वो बोल देती मुझे ये नहीं करना। जो व्हाइट वाला पोर्शन है चलते रेश में, 2 लड़कियां उसका घाघरा पकड़ के खड़ी होती थी पीछे, वो इतना हैवी था। एवरी कॉस्ट्यूम वॉज वेरी डिफिकल्ट बट शी नेल्ड इट विद एवरी डिफिकल्टी, यू नो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत लाइक लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत DMs आते हैं मुझे। एक सबसे बड़ी बात पूछी कि ये दोनों नए हैं लेकिन ये नए लगते ही नहीं, ये ऐसे लगते हैं ये बहुत सालों से गाने कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? तो उसका जवाब शायद मैं आज देना चाहती हूँ। इसलिए हुआ कि इन दोनों का फोकस, डिटर्मिनेशन, और ये बाहर कुछ दुनिया को जानते ही नहीं थे, ये सिर्फ इसी फिल्म को और इन्हीं गानों के अंदर बसे हुए थे। तो आई थिंक ये इसकी वजह से ही होता है जब आप पूरी तरह से इसमें झूम दो अपने आप को और आप एक डायरेक्टर का बंदा बन जाओ, एक्टर बन जाओ, तभी होता है। एक छोटी छोटी चीज़ों को लोगों ने बोला है कि जब वो बिरयानी बन रही थी, जिस तरह जीते ने बिरयानी पे, मुझे वो चीज़ें पूछी है लोगों ने कि मैं हैरान हूँ कि इतना फोकस किया लोगों ने। एंड यू वुड प्रैक्टिस फॉर दैट ऑल्सो, मैम ये करेक्ट है नहीं, मैम आप फिर से देखो, हाँ करेक्ट नहीं मैम, एक बार आप जैसा नहीं आ रहा, ये शर्जिल वाला झूम झूम स्टेप नहीं, मैंने शर्जिल जैसा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, यू नो, लॉन्ग टर्म, ये जो एक्टर्स होते हैं जो बहुत सालों तक चलने वाले होते हैं, ये उनकी कला का जो इन दोनों के अंदर। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वी वर्क टुगेदर। मेरे को एक और चीज़ याद है मैम, जब हम सॉन्ग्स की शूट कर रहे थे दिल झूम झूम और चलते रिश्त में, मैम ने कहा था कि मुझे जीते और मुस्कान से प्यार हो गया, आई एम इन लव, और ये मैं प्यार में पड़ चुकी हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और मैम ने एक और चीज़ बोली थी, मुझे तुम दोनों को ऐसे देख के लगता है कि तुम लोग 10 साल से प्यार करो, जो तुम ऑन स्क्रीन कर रहे हो एब्सोल्युटली। तो मैम बोलती है ऐसा लग रहा है 10 साल से तुम लोग प्यार में पड़े हुए और वो दिख रहा है। मैम इट वॉज ऑल योर लव एक्चुअली, जो आप जिस प्यार से अब हमें देख रही थी, आई
वजह से ये शबीना मैडम, इससे पहले कि आपने एक से बढ़कर एक गानों के लिए कोरियोग्राफी की, पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हो पाई थी, लोग जानते नहीं थे। जब से गदर 2 रिलीज हुई है, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है, लोग जानने लगे हैं आप ये कौन है, आप किस तरह के गाने करते हैं, तो फ्यूचर प्लान्स क्या और इतने दिन छुपे रहने का कारण क्या है और अपने आप को एक्सपोज करने का क्या कारण है? कारण ये है कि आज का जमाना जो है वो जो कोरियोग्राफर जज बन के टीवी पर आते हैं लोग उन्हीं को जानते हैं, तो आम जनता जो है जिसके सबके घरों में टीवी है, 2x4x4 के घर में भी आपको टीवी मिलेगा, यू नो। तो ये जो जनता है जिसे हम मासेस कहते हैं, जो हमारी लवली ऑडियंस है, इनको सबको यही लगता है कि जो टीवी पर कोरियोग्राफर्स है वही मेन कोरियोग्राफर्स है, और वो अपनी एक फैन फॉलोइंग लेके चलते हैं। और मुझ जैसे कोरियोग्राफर्स जो बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी जज बनकर वहाँ बैठी नहीं, तो इसलिए लोग मुझे उतना नहीं जानते, लेकिन इंडस्ट्री के लोग जानते हैं जो मेरे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब गदर आई, ये एक गदर अपने आप में एक करिश्मा लेकर आई है, जो मुझे लगता है गदर में भी बिल्कुल सामने आए बगैर लोगों को पता था कि शबीना खान ने किया, ये करिश्मा, ये फिल्म अपने आप करिश्मा लेकर आई, हर किसी को एक एक्सपोजर दे रही है ये फिल्म, क्योंकि जो ये अपने आप दे रही है, ये अपने आप दे रही है, दुआएं हैं, ये मोहब्बत है, ये ऑडियंस अपने आप सबको दे रही है। कई लोगों ने तो जाकर फिर से गूगल किया कि गाने किसने किए, और मुझे बताया, हमें तो पता नहीं था, फिर हमने गूगल किया। लाइक जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो गाने को जज करते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट कोरियोग्राफर। अभी रिसेंटली जब ये दोनों गाने रिलीज हुए, आई हैव सीन कपल ऑफ देम गोइंग एंड लुकिंग फॉर कोरियोग्राफर कौन है, एंड आई फेल रियली हैप्पी। तो आई थिंक गदर ये एक चेंज लेकर आई है अपने आप में, कि जो फेमस टीवी पे जो आते हैं जजेस, उनके अलावा भी जरा कोरियोग्राफर, ये गदर लेकर आई। अब आई थिंक गदर के बाद ये एक ट्रेंड चालू होगा कि लोग कोरियोग्राफर्स को और बाकी टेक्नीशियंस को वो रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। रियलिटी शोज में जिस तरह का डांस दिखाता है,